नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। आज का विषय है भारत में ऑटो कंपनियां बहुत ज्यादा पैसा लगाने वाली है। स्वाभाविक है कि इससे रोजगार बढ़ेगा और जो युवा मित्र हैं जो 10वीं 11वीं 12वीं में अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं तो वो इस क्षेत्र में आने के लिए अपनी योग्यता कौशल को बढ़ा सकते हैं। अगर आपका ऑटोमोबाइल में तकनीकी प्रशिक्षण अच्छा हो जाए तो आने वाले दिनों में आपको रोजगार की कोई कमी नहीं रहेगी। अब जरा देखिए भारत में विगत 5 वर्षों में कितना पैसा लगाने वाले हैं ये सारे भारत में जो कंपनियां हैं। पहला लीजिए टाटा मोटर्स। टाटा मोटर, टाटा जी जो है वो 30,000 करोड़ रुपया लगाने वाले हैं और वो लाएंगे क्या, ये भी जानना आपको जरूरी है। तो वो 10 प्रकार के नई विद्युत कार, गाड़ी, 4 चक्का लेके बाजार में आने वाले हैं। तो आने वाले जो दिन है 4-5 बरस का, और आप युवा हैं, आपने अपना ये कौशल बढ़ा लिया, योग्यता क्षमता बढ़ा ली, तो इस क्षेत्र में आपको रोजगार की कमी नहीं रहेगी। यानी टाटा 10 तरह का विद्युत कार ले आए। अभी जो भारत के मंत्री हैं श्रीमान गडकरी जी, उन्होंने ओपनली कहा है आने वाले दिनों में पेट्रोल गाड़ी नहीं होगी। तो स्वाभाविक है कंपनियां अपना धंधा के लिए ये 10 नई कार लेकर विगत 5 वर्ष में टाटा बाजार में आ जाएंगे, यानी 30,000 करोड़ रुपया ये लगाएंगे। अब आइए और दूसरा, टाटा अब अपना चिप्स भी बनाएंगे। चिप्स के ऊपर एक अपना वीडियो है। तो टाटा अपना चिप्स बनाएंगे और अपने सबसे पहले अपने कंपनियों में ही उनका प्रयोग कर लेंगे, यानी उनका उत्पादित माल के लिए बाजार की आवश्यकता नहीं, उनकी जो अपना जो बाजार है उसी बाजार में ये सब खपत हो जाएगा। तो टाटा 2 यानी 10 नई विद्युत कार और टाटा चिप्स लेकर आ रहे हैं। अब आइए मारुति सुजुकी, ये भारत सरकार का संगठन बनता है और ये लगभग इन्होंने सुजुकी से अपना समझौता किया। ये 44,000 करोड़ रुपया विगत दिनों में खर्च करने वाले हैं। 44,000, स्वाभाविक है मारुति सुजुकी भी अपना रंग रूप पेट्रोल से बिजली सीएनजी चेंज करेंगे, क्योंकि बाजार में रहना है तो बाजार के हिसाब से चलना पड़ेगा सरकार के हिसाब से। अब देखिए तीसरा हुंडई, हुंडई भी 20,000 करोड़ रुपया खर्च करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। तो 20,000 करोड़ रुपया हुंडई भी खर्च करने वाले हैं। महिंद्रा, महिंद्रा की भी बहुत सारी गाड़ियां हैं, महिंद्रा भी इस बाजार में, गाड़ी के बाजार में 8,000 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे। अब आइए एमजी मोटर, 5,000 रुपया खर्च करने जा रहे हैं, और किया इंडिया ये 2,000 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं। 33,000 करोड़, 44,000 करोड़, 20,000 करोड़, 8,000 करोड़, 5,000 करोड़ और 2,000 करोड़। अब आप ये समझें जब ये सारे पैसा बाजार में आएंगे, स्वाभाविक है जो हमारा युवा वर्ग अपना
तकनीक के साथ अपना कौशल विकास करके अपनी बुद्धि क्षमता बौद्धिक क्षमता को बढ़ा के योग्यता के साथ सर्टिफिकेट के साथ गुणवत्ता के साथ बाजार में होगा तो उसको रोजगार की कोई कमी नहीं होगी। जरा एक उदाहरण और आप ले लें, 1998-99 में भारत में 1.8% गाड़ी चार चक्का हुआ करता था उपयोग में, 98-99, और 2005-06 के आंकड़े में ये 2.8% हो गया है, यानी गाड़ी का संख्या बढ़ गया। अब तो पटना जैसे शहर में दशहरा से लेकर दिवाली तक 2 लाख संख्या में गाड़ियां बिक जाती है, और ये बाइक का तो बात छोड़ दीजिए, उनके ऊपर नो कमेंट, सिर्फ चार चक्का के ऊपर है। तो आप देखें ये बाजार एकदम सुदीर्घ हो रहा है और हमारे नौजवानों के लिए रोजगार का भी सुंदर अवसर है ऑटो कंपनियां में। तो मित्रों, ये रोजगार का श्रम समाचार में छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।